हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CAU इम्फाल में कैसे आप PG और PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अपने ICAR एग्जामिनेशन CVET या फिर अपने स्टेट का एग्जामिनेशन दिया है और इतने अच्छे नहीं गए जिससे आपको सीट मिल जाए, आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए, तो यहाँ पे आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे के एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि फ़ीस बहुत कम लगती है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, तो ICAR एग्ज़ामिनेशन देने के बाद भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इस एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो कि CAU इम्फाल खुद का कंडक्ट करवाती है उससे भी आप इन सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये एडमिशन नोटिस है 2023-24 सेशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, कितनी सीटें अवेलेबल हैं कौन से कैंपस में। तो यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है CAU इम्फाल का, इसमें टोटल 35 सीटें हैं MSc एग्रीकल्चर की और MSc हॉर्टिकल्चर की टोटल 9 सीटें अवेलेबल हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में आपको 5-5 सीटें मिल जाती हैं। इसी के साथ हॉर्टिकल्चर में सभी डिपार्टमेंट्स में आपको 3-3 सीट मिल जाती है। नेक्स्ट आपका जो कैंपस है ये है कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन एग्रीकल्चरल साइंस, बारापानी, मेघालय। तो इन सभी सीटों के लिए आपका एक कम्बाइन एग्ज़ामिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मणिपुर में एडमिशन लेना है तो दूसरा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या फिर मेघालय के लिए दूसरा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कंबाइन एग्जामिनेशन होता है जिसको अटेम्प्ट करने के बाद इन सभी सीटों में काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में भी टोटल आपकी 43 सीट्स अवेलेबल हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी 5-5 सीट अवेलेबल हैं। एंटोमोलॉजी में यहाँ पर आपकी 5 सीट और नेमेटोलॉजी में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देन इसके बाद MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की यहाँ पे 5 सीट अवेलेबल होती हैं। MBA इन एग्री बिजनेस में यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। नेक्स्ट आपका कैंपस है अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में। यहाँ पे MSc एग्री के लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की टोटल 2 सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करें MSc हॉर्टिकल्चर, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में टोटल 12 सीटें अवेलेबल हैं और फॉरेस्ट्री के लिए टोटल 6 सीट्स आपकी अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग रानीपुल सिक्किम में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो टोटल आपकी 15 सीटें 15 सीट्स अवेलेबल हैं। सभी पांचों डिपार्टमेंट्स में आपकी 3-3 सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस लेम्बुचेरा त्रिपुरा में टोटल 28 सीट्स अवेलेबल हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी 4-4 सीट अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, जहाँ पे वेटनरी के स्टूडेंट्स, जो BBSc के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आइजोल मिज़ोरम में सिचुएटेड है। टोटल 55 सीट्स अवेलेबल इसमें हैं। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की, तो यहाँ पे तुरा मेघालय में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और होम साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में 2-2 सीटें करके 4 सीट आपकी अवेलेबल हो जाती हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हमें MSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना है या फिर MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो क्या हमें 2 एग्ज़ामिनेशन देने पड़ेंगे। तो जी हाँ, MSc हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करने के लिए आपको MSc हॉर्टिकल्चर वाला जो कोर्स है अपने फॉर्म में ऐड करना होगा, उसका एग्ज़ामिनेशन आपका अलग से होता है। और MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ आपका इम्फाल और बारापानी, तीनों का ही कंबाइन एग्ज़ामिनेशन होता है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर का इम्फाल के लिए और पासीघाट के लिए, वो भी आपका कंबाइन एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको हॉर्टिकल्चर में भी इंटरेस्ट है तो आपको MSc हॉर्टिकल्चर अपने फॉर्म में ऐड कर लेना है, और MSc एग्री ऐड कर लेंगे तो तीनों ही कैंपस में आप एलिजिबल हो जाएंगे। GPA कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो 6.6 आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है और 5.6 OGPA आपका SC ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए होती है। ठीक है, 3 साल की डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। मिनिमम आपकी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन MBA एग्री बिजनेस के लिए बताया गया है 4 साल की बैचलर डिग्री आपने की हो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि ICAR से या फिर UGC से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो फीस स्ट्रक्चर है MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए वो बताया गया है 58,550 रुपीज़।
ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होती है? तो यहाँ पे आपका एससी का रिजर्वेशन है 15%, 7.5% आपका एसटी का, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन, यानी जैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं वैसा ही रिजर्वेशन होता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत सिंपल है, आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और उसका सेंटर रहने वाला है कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन एग्रीकल्चरल साइंस बारापानी मेघालय, ठीक है? तो मेघालय में आपका सेंटर रहता है, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देने जाना पड़ता है। इसी मेरिट के बेसिस पे आपको कोर्स और कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन 21 अगस्त मंडे को होगा 10 से 12:30 के बीच में। एससी हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एमटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन 1:30 to 4 PM रहने वाला है। देन इसके बाद काउंसलिंग भी आपकी 23 अगस्त को ही होगी, तो एमएससी एग्रीकल्चर वाले जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। 21 को एग्जामिनेशन होगा, उसी के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और 23 अगस्त को आपका काउंसलिंग होके एडमिशन हो जाएगा। स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म के 26 जुलाई से और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16th of August 2023। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 19 अगस्त को। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आपकी 22 जुलाई को आ जाएगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 फॉर्म की फ़ीस है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 फॉर्म की फ़ीस रखी गई। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनका वेरिफिकेशन फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे उनके जो भी अलॉटेड कॉलेज हैं वहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है? और आपका जो एडमिशन फीस है वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सरकमस्टेंसेस में, भले ही आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर लें। लगभग यहाँ पर आपकी 10,000 के आसपास फ़ीस लगती है, ठीक है? 9.5 से 10,000 के आसपास एमएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी हॉर्टिकल्चर में, और अप्रॉक्सीमेटली आपकी ₹2,000 आपके हॉस्टल की फ़ीस रहती है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनको 3,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप ये कॉलेज बीच में कहीं छोड़ते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप वापस करनी पड़ेगी। कैसे आपको अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट cauimphal.online/admission2023 पब्लिक, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लास्ट वीडियो मैंने इसी के रिगार्डिंग बनाया कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसको आप ज़रूर देख लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या ICR एक्रेडिटेड कॉलेजेस ही यहाँ पे एलिजिबल हैं या फिर अदर स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके पहले के नोटिफिकेशन देखेंगे, तो यहाँ पे सेम चीज़ फॉलो की जाती है जो भी ICR नोटिस निकालता है। तो इस साल ICR PG और PhD में ICR एक्रेडिशन का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो यहाँ पे भी ICR एक्रेडिशन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे आपके कॉलेज में ICR एक्रेडिशन हो या फिर ना हो, ठीक है? तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। जितने भी PG के स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो इंडिया के, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करें, तो यहाँ पे आपका आपके 150 मिनट्स रहते हैं और 150 मिनट्स में आपको 150-160 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके मैच द पेयर क्वेश्चन रहते हैं। जैसे पहले 2018 के पहले ICR PG का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता था, वही यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके मैच द पेयर में 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, वहाँ के एग्रीकल्चर कितने के वी के हैं, और स्पेशलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उसको अभी आप पढ़ लेंगे, बाकी जो पोर्शन है ब्रीडिंग का, इकोनॉमिक्स का, एक्सटेंशन का, इसके अलावा ब्रीडिंग का पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, तो ये भी आप अच्छे से कवर करके जाएं। जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है, तो जैसा हमने CVET में दिया होगा या फिर MP या फिर राजस्थान में देते हैं, UP में देते हैं, वैसा ही एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो पूछा जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको इस वीडियो से एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। PhD की बात करें तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स में
पीएचडी की बात करें तो मणिपुर कैंपस में टोटल आपकी 7 सीट अवेलेबल हैं। पीएचडी की बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल मणिपुर में टोटल 7 सीट अवेलेबल हैं, जिसमें 2 सीट आपकी ब्रीडिंग की, 1 सीट एग्रोनॉमी की, सोयल साइंस की 2 सीट और एंटोमोलॉजी की 1 सीट अवेलेबल है। मिज़ोरम में टोटल आपकी 17 सीट्स अवेलेबल है वेटनरी के स्टूडेंट्स के लिए। बारापानी मेघालय में देखेंगे तो टोटल आपकी 16 सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स में आपको 2-2 सीट मिलती हैं। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पासीघाट में हॉर्टिकल्चर में पीएचडी के लिए आपकी 5 सीट अवेलेबल हैं, फिशरीज़ में टोटल 8 सीट अवेलेबल हैं और रानीपुल सिक्किम में आपकी टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेम है एटलीस्ट आपकी, तो यहाँ पे जितनी भी एलिजिबिलिटी हमने देखी थी वो सभी आपकी सिमिलर हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो 21 अगस्त को ही कंडक्ट किया जाएगा और काउंसलिंग भी आपकी 23 अगस्त को हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद फॉर्म की फ़ीस देखें तो फॉर्म की फ़ीस आपकी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपीज़ है और 750 रुपीज़ है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। 16 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपको सेम यूज़ करनी है, cau.ac.in, जहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे रहा हूँ। ठीक, तो मैंने नागालैंड के लिए भी जैसे सेम बताया था कि एसटी पॉपुलेशन वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स कम मिलते हैं, तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आराम से जाएं, एडमिशन उनका बेटर चांसेस रहते हैं। एसटी कैटेगरी के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स भी ज़रूर जाएं अगर उनको लगता है कि एडमिशन बाहर नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छे चांसेस रहते हैं। अगर आपने नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किया था तो ज़रूर से अप्लाई कर दें, सीएयू इम्फाल में बहुत सही ऑप्शन है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अदर जगहों पे अभी अच्छी ब्रांचेस सिक्योर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी 100-150 रैंक भी आती है तो भी फर्स्ट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको यहाँ पर सीट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ऐसे ही एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।